दोस्तों अगर यूनिवर्सल एम्पलीफायर के बारे में और दोस्तों लोकल एम्पलीफायर के बारे में बात करने लगे तो दोस्तों आपके एकदम से दोस्तों जज्बात बदल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सल के ब्रांडेड एम्पलीफायर में और दोस्तों लोकल एम्पलीफायर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई टेक्निकल अक्स से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हड्डो बच्चों क्रिएशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में अपन लोग लेकर आए आपके लिए एक यूनिवर्सल का एम्पलीफायर जो कि दोस्तों 4 ट्रांजिस्टर में है, और दोस्तों दूसरा हमारे पास एक लोकल एम्पलीफायर है। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये दोनों एम्पलीफायर 4 ट्रांजिस्टर में है, पर जो जो दोस्तों इनमें डिफरेंस है वो दोस्तों धरती और दोस्तों आसमान का है। तो दोस्तों आज हम इसके डिफरेंस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जो दोस्तों इनमें डिफरेंस है पैसों का वो दोस्तों करीब 600-700 रुपये का आता है, पर दोस्तों क्वालिटी के डिफरेंस के बारे में बात करके कि क्या दोस्तों क्वालिटी का भी इसमें डिफरेंस है क्या नहीं, दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यूनिवर्सल के एम्पलीफायर की लुक देखते हैं बाहर से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी इसकी लुक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इस लोकल एम्पलीफायर की, तो दोस्तों लुक इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बेशक दोस्तों ये पुराना हो, पर दोस्तों आप सोच सकते हैं जब भी नया होगा जब भी दोस्तों इसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों देखिए दोनों, देखिए एक बार दोनों क्लोज लुक दिखाइए एक बार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक। दोस्तों फिर बात करें इसके आगे के पैनल की बात करते हुए चलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहले ओक्स लाउड, दोस्तों में लाउड का ऑप्शन एक्स्ट्रा है जो कि दोस्तों इस वाले एम्पलीफायर में नहीं है, और दोस्तों ऑन ऑफ किया है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और दोस्तों यहाँ पर जो ब्लूटूथ पैनल यूज़ किया गया है वो दोस्तों लोकल ब्लूटूथ पैनल है जो कि मार्केट में भी आराम से मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोस्तों इसमें बटन यूज़ किए गए हैं वो दोस्तों आप पीछे से दिखाइए, वो दोस्तों इसमें अलग से PCB बोर्ड लगाया गया है, और दोस्तों हम इन्हें कितने भी टाइट दबा ले पर दोस्तों ये अंदर नहीं जाएंगे। पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोस्तों इसमें बटन यूज़ किए गए हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छे बटन नहीं है, जो अगर दोस्तों मैंने इन्हें टाइट से दबा दिया तो ये यहाँ पर ही ख़राब हो जाएंगे। और USB देखिए यहाँ पर, और इसमें देखिए जो USB है इसका अलग से ही स्लॉट बनाया गया है, और दोस्तों पीछे सोल्डिंग की गई है अच्छी तरीके से। अगर दोस्तों पीछे की बात करें तो पीछे इसमें एक फ्यूज दिया गया है जो कि इस लोकल एम्पलीफायर में नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं एक भी फ्यूज इसमें नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो ये ऑक्स का केबल दिया गया है दोस्तों ये दो है, दोस्तों इससे ही सारी चीज़ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों इसमें अलग अलग दिया गया है। और बात करें इसमें भी 4 स्पीकर लगा सकते हैं, और इसमें भी यहाँ पर 4 स्पीकर हम लगा सकते हैं। और ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें 3055 यूज़ किया गया है, और इसमें जो यूज़ किया गया है वो दोस्तों 3773 है। अब दोस्तों इसे ओपन भी करके देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, तो ये वाला तो ओपन है, पहले से इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों जो PCB बोर्ड है पहले उसकी बात करते हुए चले गए, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छोटे यूज़ किए गए, जिसकी दोस्तों मैं आपको वैल्यू बताऊँ 35 वोल्ट और दोस्तों 2200 UF यहाँ पर दिखाइए, 35 वोल्ट 2200 UF दोस्तों देख सकते हैं। और बात करें इसकी तो दोस्तों इसमें किए गए हैं 35 वोल्ट और 2700 UF दोस्तों, इसमें ज़्यादा UF का कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ किया गया है। बात करें दोस्तों डायोड की तो डायोड तो लगभग सेम ही है, और ट्रांसफार्मर देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है, यहाँ पर देखिए कितना चौड़ा इसका ट्रांसफार्मर है, मेरे हाथ से अंदाज़ा ले लीजिए दोस्तों मेरे यहाँ पर आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना छोटा है। तो दोस्तों इसके लिए एक बार ताली बजा दो लोकल एम्पलीफायर के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वाले एम्पलीफायर में जो ये बटन यूज़ किए गए हैं यहाँ पर दिखाइए, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और दोस्तों जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो मैं आपको अलग से ब्लूटूथ पैनल दिखाता हूँ, वो दोस्तों यहाँ पर ही यूज़ किए गए हैं, मैं आपको इसे खोल कर भी दिखा देता हूँ जिससे दोस्तों आपको आसानी रहेगी। दोस्तों देखिए दोस्तों ये बटन आराम से इसमें से निकल जाता है, दोस्तों जो इसकी ऑक्स है वो भी दोस्तों एकदम से निकल जाती है अगर दोस्तों हम इसे टाइट से लगा देते हैं, और दोस्तों यहाँ पर ही इस पर USB लगा दी। दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है तो दोस्तों ये टूट जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलग से लगाई गई है यही सारी चीज़ें, देखिए बिल्कुल अलग से लगाई गई है। और दोस्तों इसका ये वाला PCB बोर्ड देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। दोस्तों जिसमें ब्लूटूथ पैनल की सप्लाई है उसके लिए दोस्तों अलग से ही एक PCB बोर्ड बनाया गया है 5 वोल्ट का, जिससे कि दोस्तों हमिंग की प्रॉब्लम है जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और यहाँ पर देखिए एक जो हीट सिंक है जो 7805 की IC है वो दोस्तों इसके पैनल पर ही लगा दी, और दोस्तों इसमें हीट सिंक भी बिल्कुल नहीं लगाई इन्होंने। और बात करें इसके
और चीज़ों की। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से बनाया गया है। और दोस्तों वायर की क्वालिटी भी इसमें ज़्यादा अच्छी यूज़ नहीं की गई है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यूनिवर्सल एम्पलीफायर है उस पर काफ़ी ज़्यादा सफाई का ध्यान दिया गया है। और इस वाले एम्पलीफायर पर देखिए तार बिल्कुल बिखरे हुए हैं एक तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।